आज राज्यसभा में तीन तलाक बिल पर सरकार और विपक्ष के बीच घमासान, 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित। 2 बजे राज्यसभा में तीन तलाक बिल पर होगी बहस। बीजेपी, कांग्रेस, टीडीपी अपने राज्यसभा सदस्यों को जारी कर चुके हैं व्हिप। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा में बिल पेश किए जाने पर जेडीयू सदन में नहीं रहेगी मौजूद। विपक्ष की मांग, तीन तलाक बिल की खामियां दूर करने के लिए सरकार इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजे। संसद की कार्यवाही से पहले विपक्षी नेताओं की बैठक, गुलाम नबी आजाद के चैंबर में बनी रणनीति। संसद परिसर में टीडीपी सांसदों ने किया प्रदर्शन, आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। AIADMK सांसदों ने भी किया प्रदर्शन, उठाया कावेरी जल विवाद का मुद्दा। सिख दंगों के दोषी सज्जन कुमार आज दिल्ली की गड़गड़ूमा अदालत में करेंगे सरेंडर, मिली है उम्र कैद। अकाली नेता मजिंदर सिंह सिरसा को आशंका, सरेंडर से बचने के लिए सज्जन अपना सकते हैं हिंसा का रास्ता। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी पर FIR दर्ज करने की मांग की, JDU ने जांच एजेंसियों को दी गोपनीयता बरतने की नसीहत। नए साल से पहले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम, भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी बैठ के 2 घुसपैठियों को किया ढेर, BSF की वर्दी में आए थे घुसपैठिए। LOC पर पाकिस्तान का नापाक प्लान, रूस से 600 टैंक खरीदने की तैयारी, 4 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर, जम्मू कश्मीर LOC पर टैंक तैनात करने की तैयारी में है पाकिस्तान। नए साल पर राजौरी में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। IS संदिग्धों की धरपकड़ में अमरोहा से 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ, अब तक कुल 11 गिरफ्तार। दिल्ली में NIA की जांच पड़ताल जारी, जाफर खट्टर पर ट्वीट वार, पैराशूट चीफ मिनिस्टर बताते हुए फिल्म का पोस्टर जारी किया। जाति के बाद बजरंग बली के कपड़ों पर विवाद, गुजरात में हनुमान की मूर्ति को सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनाने का आरोप। विवाद पर मंदिर की सफाई का, सेंटा क्लॉज की ड्रेस नहीं, लाल रंग के कपड़े हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अपनी सूख की फसल से बेहाल किसान। सूखती फसल हाथों में थामे कलेक्टर, दफ्तर पर 2 घंटे तक खड़ा रहा किसान, फूट फूट कर रोया, पैरों पर गिर गया। रानी मेरी समझा दो, थोड़ी कार में बड़ा बड़ी खड़े, ये तो हो क्या गया, क्या करना सुपरवाइजर के साथ पार हम नहीं धर रहा, आज यहाँ आज यहाँ कर रहा हूँ 6.5 महीने रुपये। मधुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे में एक शख्स की मौत, कोहरे में सड़क से पलटे ट्रक से टकराई 12 गाड़ियां, 10 घायल। यूपी के हाथरस में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को पकड़ा, एक कारोबारी को अगवा करने का बना रहे थे ये सभी प्लान। महाराष्ट्र के भिवंडी में पेंट कंपनी में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। बुलढाणा में कार में लगाई आग, हुए फरार। सुरु ने शातिराना अंदाज में की नए साल के जश्न की तैयारी, दिल्ली के कृष्णनगर इलाके में शराब के ठेके से उड़ाई महंगी शराब की बोतलें। राजापुर में मंच पर खड़े मुख्यमंत्री योगी के सामने बेकाबू हुआ शख्स, राष्ट्रगान के दौरान लगातार आग बहा। नवादा में पावर ग्रिड सब स्टेशन के उद्घाटन में पहुंचे नीतीश का विरोध। जहानाबाद में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने फरियादी किसान को पीटा। धनबाद के संघ के कार्यक्रम के बाद आपस में मारपीट, संघ प्रमुख की जीप का ड्राइवर भूला अनुशासन। बांदा में बीजेपी युवा मोर्चा के 2 गुटों में मारपीट के बाद पुलिस ने दर्ज नहीं किया FIR, कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। यूपी में खुले लॉ एंड ऑर्डर की बोल, देवरिया जेल में बाहुबली अतीक अहमद ने लखनऊ के बिल्डर को बुरी तरह से पिटवाया। 26 दिसंबर को बिल्डर का लखनऊ से हुआ था अपहरण, उसी गाड़ी में डालकर अतीक के घर के ले आए देवरिया जेल। जेल में पीट पीट कर बिल्डर के तोड़ दी गई उंगलियां, अतीक के गुर्गों के नाम पर लिखनी पड़ी अपनी कंपनी। बिल्डर की शिकायत के बाद हड़कंप, DIG जेल की पड़ताल के बाद जेल में छापेमारी। यूपी सरकार ने अधिक की गुंडागर्दी पर EDG जेल से मांगी रिपोर्ट, 5 पर केस दर्ज। होली में नए साल के जश्न के लिए देश भर से जुटे सैलानी, होटल रिजॉर्ट में तैयार। सोलन, शिमला, चाल, कसौली के सभी होटल्स पैक। देहरादून में नया साल मनाने की तैयारी, पहाड़ों में बर्फ, मैदान में शीतलहर। गुलमर्ग में लगा स्केटिंग अभ्यास कैंप, देश भर से जुटे बच्चे। उत्तरकाशी में ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, यमुनोत्री में -13 तक तापमान। चित्तौड़गढ़ में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, रेस्क्यू मिशन के लिए बचना। वन विभाग की टीम और पुलिस ने तेंदुए को पकड़ने के लिए अपनाया खतरनाक तौर तरीके, तेंदुए को डॉट करने के बजाय उस पर वाटर कैनन के पानी की बौछार की गई। सुरक्षाकर्मी जमीन पर लेटकर टॉर्च से तेंदुए को खोजते दिखे, 10 घंटे की मेहनत के बाद पकड़े। संभल के 3 साल के मासूम को बाघ ने बनाया निवाला, बच्चे को गन्ने के खेत से उठा कर ले गया।